हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आपका हमारे चैनल MN मैथ एनालिसिस में स्वागत है। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि जैसे आपको पता है हमारे बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, यानी कि हमारा बोर्ड 2023 जो था वो फिनिश हो गया है। अब बात आती है कि उसका रिजल्ट कब आने वाला है, यानी कि रिजल्ट किस दिन आपका आएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों का जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा और किस तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा और कब तक आएगा। और सबसे ज्यादा मोस्टली जो बच्चों का क्वेश्चन है वो यो है कि अगर ओमआर शीट में गलती हो गई हो तो क्या होगा। क्योंकि भाई ज्यादातर मोस्टली बच्चों ने फर्स्ट टाइम पेपर दिया ओमआर शीट पे, तो बहुत बच्चों की जो ओमआर शीट भरती है फिल करने में, क्वेश्चन का आंसर देने में गलत हो गई है। अब बच्चों को डाउट है कि जो हमारी ओमआर शीट गलत हो गई है इसमें क्या होगा, यानी कि क्या हमारी चेक नहीं होगी या चेक होगी, ये होगी तो किस तरीके से होगी, क्या इससे हमारे नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको सभी चीज की जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो देख गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं, अगर आपकी ओमआर शीट में कोई भी गलती हुई है तो आपका क्या होगा। देखिए गाइस, जैसे आपको पता है आपने फर्स्ट टाइम पेपर दिया है, तो जो हमारा बोर्ड है उसको भी पता है बच्चे ने फर्स्ट टाइम पेपर दिया है, तो ओमआर शीट में कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी। अब बच्चों ने क्या कहा, जो हमारी ओमआर शीट है वो कितने नंबर की आपकी, वो 20 नंबर की है और 50 नंबर की हमारे क्या है, सब्जेक्टिव है। अब ये तो आप कॉपी में लिखे हुए तो सब बच्चे लिख सकते हैं, बात होती है इन 20 नंबरों का। अब देखिए ये 20 नंबर जो हमारे हैं क्या थे, जो आपकी एंट्री थी, जो ज्यादा जो थी आपकी एंट्री थी, और बच्चों ने एंट्री में ज्यादा क्या किया, मिस्टेक की है। जैसे कि हमारा जो रोल नंबर था, रोल नंबर बच्चों ने क्या कहा, बच्चे सर्कल करना भूल गए, ये फिर अलग अलग सर्कल करने थे, बच्चों ने क्या करा एक ही में, यानी कि एक ही लाइन थी उसी में क्या कर दी, सर्कल ऐसे कर दिए। एक तो गलती यू करी है, किसी ने रोल नंबर लिखने में गलती करी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गलती है तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाले है। क्या? हाँ गाइज, आपके नंबरों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, बस शर्त एक है कि आपने अपना रोल नंबर लिखा हो, चाहे किसी भी तरीके से लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपने अपना रोल नंबर अगर लिख रखा है तो आपको चेक। जैसे आपको बताया, सब कहते हैं कि जो हमारी ओमआर शीट है, कि जो हमारी ओमआर शीट है वो किससे चेक होती है, वो कंप्यूटर से चेक होती है। ठीक है गाइज, कंप्यूटर से तो चेक होती है, पर जब जो चेक करता है एग्जामिनर, जो हमारा एग्जामिनर होता है वो तो कहाँ बैठा रहता है, एग्जामिनर तो कंप्यूटर के बाहर ही बैठा रहता है। तो जैसे ही अगर हमारी कोई ओमआर शीट में गलती होती है तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ऐसे मार्क करके ओमआर शीट को कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। अब जैसे बाहर निकलती है तो उसके बाद सीधा एग्जामिनर देखता है कि इस चीज़ में क्या गलती है, और एग्जामिनर उस चीज़ को एक बार देखता है, उसमें जो भी मिस्टेक होती है एग्जामिनर उसको करेक्शन करता है, और उसके बाद दोबारा क्या करता है, वो उसमें अपने कंप्यूटर में डाल देता है चेकिंग के लिए। अब गाइस बात यह है कि क्या जो हमारा एग्जामिनर उसके बाद आपका डाटा कहाँ होगा, उसके पास आप सभी का डाटा होता है तो वो उस गलती को आपके ठीक कर देगा, बस आपने रोल नंबर डाला हो, और फिर बाद में आपके कंप्यूटर में डाल देगा और फिर आपकी क्या होगी, चेक हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका यही डाउट होता है, किसी भी तरीके से आपने गलती करी हो, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाले हैं, बस आपने रोल नंबर लिखा हो। ठीक है, रोल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, आपके पूरे नंबर आने वाले हैं जितना आपने क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। ठीक है, इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये तो आपको हमारी शीट, मुझे उम्मीद है आपकी वाला डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको बात है आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, बोर्ड का मानना है कि परीक्षार्थियों के भविष्य के लिए जिस प्रकार नकल भी हनी एवं सुनिश्चित पूर्ण परीक्षाओं का आयोजन कराया गया है, यानी कि जिसमें क्या हुआ, चीटिंग नहीं हुई, उसी तरह परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का निष्पक्ष एवं त्रुटि रहित मूल्यांकन कराया जाएगा, यानी त्रुटि रहित क्या, किसी भी बिना किसी भी गलती के। इसी कड़ी में क्षेत्रीय कार्यालय के परिवस्त्र में शामिल जनपदों में बनाए गए मूल्य केंद्र, यानी कि आपके पास जो आपकी कॉपी है आपके क्षेत्र में या आपके क्या जिले में, उनका केंद्र बनाए जाएंगे जहां आपकी कॉपी चेक होगी, कि उप नियंत्रक का परीक्षण शिविर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर आयोजित कराया जा रहा था। यानी परीक्षण शिविर क्या है, अब की बार पहले जो हमारे एग्जाम, जो हमारे कॉपी चेक करने वाले थे, वे बिना परीक्षण के कॉपी चेक किया करते थे, बट अब की बार उनको क्या दिया जाएगा, अब की बार उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस टाइप से आपको कॉपियां चेक करनी है, उसके बाद ही कॉपी चेक करने के लिए उन्हें दी जाएगी। अब बात है आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो आपका रिजल्ट अब क्या चल रहा है, आपका जो आपकी मार्च अप्रैल, यानी कि ये तो आपका पेपर अप्रैल के लास्ट में, किसमें, ये तो आपका पेपर अप्रैल के लास्ट में, ये फिर मई, ये फिर मई के स्टार्टिंग में, क्या, ये तो अप्रैल के लास्ट तक, ये फिर मई के स्टार्टिंग में आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
इन दोनों में आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी लाइक करें। और अगर आपको हमारे छोटी पूरी जानकारी चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसे पूरा वॉच करें और आपके सारे डाउट जो हैं वे क्या हो जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।